हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओटीटी एग्जाम 2024 पाई किछ इंपोर्टेंट ओडिया ग्रामर क्वेश्चन जहाँ कि आपन लेखा और लेखक पर आधारित आप लेखा और लेखक गोटे मार्क सुनिश्चित आसीबा आप मानकर सेतेपय इंपोर्टेंट हेबो। ए वीडियो देखंतु आप गोटे मार्क श्योर आप माने रखि पारिबे। तो ये भिडियोटी आम समस्त टीचिंग एग्जाम पर इम्पोर्टेन्ट रमर ओटीटी ओएसटीटी बीएड बीएड आमर सीटेट तो आसुनी सीटेट आसुनी ओटीटी ओएसटीटी बीएड एसएसटी ता सहित एसएसबीटी जीटी आरएचटी एलटीआर जेटी समस्त एग्जाम आसुच्छर आरएचटी सातटा क्वेश्चन आसाला लेखा और लेखक आउ ओटीटी रे आपने गोटे क्वेश्चन आसुच्छी ओएसटीटी रे गोटे क्वेश्चन आसुच्छी आपर एस एस टी 2022 रे हेतिला आपनर वर्तमान अगस्ट 1 रु आरंभ हबो। एस एस डी रो तीनटा क्वेश्चन 10 मार्क उड़िया ग्रामर रु सेथुर तीनटा आपनर लेखा लेख पचारिथिला आउ जेटी रे आपन 2-3 मार्क पचारिथिला। तो आपनर एग्जाम पे समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट समस्त टीचिंग एग्जाम पे हमर एटा इंपोर्टेंट रहइबो। तो आज आमे ए वीडियो रे डिस्कशन करबा हमर ओटीटी एग्जाम ओटीटी रो सिलेबस 2024 अनुजाई ओटीटी सिलेबस 2024 अनुजाई आमर सिलेबस रे को लेखक अच्छे तापर हम फोकस करवा। तो ये हूँ सिलेबस रो मु किछि स्क्रीनशॉट नहीं छि तो आप से आप देखते देखते आप रही ओडियार आमर जो लेखा लेखक अच्छे फकीर मोहन सेनापति अच्छी तापर आम डिस्कसन करेंगे डिटेल से डिस्कसन करवा फकीर मोहन सेनापति पर गंगाधर मेहर अच्छी डिटेल से डिस्कसन करवा राधानाथ राय अच्छी सुरेंद्र महांती अच्छी आउ गोपीनाथ महांती अच्छी ए पांचटा आम डिस्कसन करवा सहित आज किसी एक्सट्रा मत देखने जहाँकि आप आउट अफ सिलेबस जदि पचार आप आराम से देपारे। तो ये पांचटा ही ये पांचटा भितर आप क्वेश्चन आसो बाहर तो आसबनी तो निहत आम देखने आउ किसी एमसीक्यू मत 50 एमसीक्यू देखने। तो फास्ट आमर देखा फकीर मोहन सेनापति आम सिलेबस रही। तो फकीर मोहन सेनापति कौन कौन लिखे देखते फकीर मोहन सेनापति लेखा रेवती कूलकुंतला मौनामुनि बालेश्वरी राहाजानी बालेश्वरी पंगालुण पुनर्मुशी कोकोभ डाक मुंशी धूलिया बाबा कमला प्रसाद खोराप सुना बहु रांडी पुओ अनंता रही कालिका प्रसाद गोराप पेटेंट मेडिसिन बीरेई विशाल सभ्य जमीदार बगला बगली अजानाती कथा पाठोई बहु अधर्म वित्त माधव महांती कन्या सुना गारुड़ी मंत्र एसबु लिखिंट कि आम फकीर मोहन सेनापति एसबू लिखिंट। तो नेक्स्ट देखा गोपीनाथ महांती कौन कौन लिखिंट देखते गोपीनाथ महांती लेखा होची तंत्रिकार माटी मटाल पहांता आकाश सुंदरी अनल नल बघेई दिग दिहुड़ी मनर निया बुंदाए पाणी किछि कहिबाकु चाहे जान कामा अनाम राहुर छाया दुई पत्र सपन माटी शिव भाई दाना पाणी अपहंच लय विलय बुढ़ा कवि तापर रही आप देखु मन गहीर चाष दादी बुढ़ा परजा हरिजन अमृतर संतान तापर घास फूल एसबू लिखिं किए एसबू लिखिं गोपीनाथ महांती एसबू को लिखिंट। नेक्स्ट देखा आप रही राधानाथ राय लेखा देखा राधानाथ राय लिखिंट केदार गौरी दरबार चंद्रभागा चिल्लिका महेन्द्रगिरी दशरथ वियोग इटालियो जुबा जजाति केशरी तापरे रही नंदिकेश्वरी तुलसी स्तवक महाजात्रा उर्वशी सावित्री चरित उषा विवेकी आउ दुर्योधनर रक्त नदी संतरण एसबू लिखिं आमर राधानाथ कविवर राधानाथ रॉय। देखा बर्तमान स्वभाव कवि आमर कौन कह कौन टाइटल दि जाए ना स्वभाव कवि गंगाधर मेहर मेहर कहीदे मेहर मेहर कौन कौन लिखिं आम देखा गंगाधर मेहर लिखिं कौन ना लिखिं तपस्विनी कीचकबद्ध इंदुमती प्रणय बल्लरी उत्कल लक्ष्मी अहल्या स्तव तापर पद्मिनी अयोध्या दृश्य रस रत्नाकर कृषक संगीत अर्घ्य थाली मधुमय एसबू लिखिं किए गंगाधर मेहर लिखिंट।
मन रखते एग्जाम इम्पोर्टेंट रहा देखते आप सुरेंद्र महांती कौन कौन लिखिंट ना कृष्णा बेणी संध्या नील शैल पथ पृथ्वी अंध दिगंत रुटी और चंद्र मराळर मृत्यु पेकिंग डायरी आजीवकर अट्टहास बापू कालांतर महानिर्वाण अचलायतन नीलाद्री विजय ओडिया साहित्यर आदि पर्व ता सहित आज किसी इम्पोर्टेन्ट रही सबुज पत्र और धूसर गोलाप महानगरी रात्रि कृष्ण चूड़ा नेति नेति शेष स्तंभ हंस गीति शेष कविता दुई सीमांत कौन सप्ताब्दीर सूर्य सप्ताब्दी हम यहाँ सप्ताब्दीर सूर्य बंधु और प्रिया कवि और नर्तकी एसबू लिखिं किए आमर सुरेन्द्र महांती लिखिं तो सुरेंद्र महांती कौन कौन अचीवमेंट कर पुरस्कार पाइटा देखा सुरेंद्र महांती कुलवृद्धपी सारला पुरस्कार पाई 1980 मसीह आपण पचारे आमर सुरेंद्र महांती के पुस्तक सारला पुरस्कार पाई तो कुलवृद्ध तापर आमर के पुस्तक केन्द्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार पाई सुरेंद्र महांती तो नील शैल आमर ओडिया साहित्य अकाडेमी ओडिशा साहित्य अकाडेमी पुरस्कार पाई कापाई ना पथ और पृथ्वी ओडिशा साहित्य अकाडेमी पुरस्कार पाई तो मन रखिए तीन टाक इम्पोर्टेन्ट रहा तो आमर देखु पांच जन कवि आम डिस्कसन कर सारे देखते आप फास्ट है फकीर मोहन सेनापति जहाँकि सिलेबस अच्छी आप रहा गोपीनाथ महांती दुई होगा राधानाथ तीन तापर आप गंगाधर मेहर चार सुरेन्द्र महांती पाँच पाँच जन आम डिस्कसन कर सारे तो किसी एक्सट्रा मत देखने जहाँकि एग्जाम आग को आम हेल्प कर आम एस एस डी अच्छी एस एस डी आपर एस एस डी सेवक सेविका अच्छी एस एस डी से इम्पोर्टेन्ट रो टे देखने समय तो अच्छी तो देखो गोपाल चंद्र प्रहराज कौन कौन लिखिंट पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश ननाक बस्तानी बाई महांती पांची भागवत टुंगीरे संध्या आम घर हालचाल बाई नना बुजुड़ी जस्ट आम टे देखने भीम भई कौन लिखिं देखते भीम भई लिखिं कलिजुग गीता पूर्ण संहिता श्रुति निषेध गीता आदिअंत गीता श्री श्री निर्वेद साधन पद्मकल्प चौतीसा मधुचक्र भजनमाला ब्रह्म निरूपण गीता स्तुति चिंतामणि अष्टक बिहारी गीता आउ ब्रह्म संयुक्त गीता आठ भजन शिशुवेद यह लिखिंट आम सत कवि भीम भई संतकवि भीम भोई उपेन्द्र भंज को लेखा देखने कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी सुभद्रा परिणय वैदेहीश विलास लावण्यवती अवना रस तरंग रस पंचक देखु प्रेम सुधा निधि कला कौतिक रसिक हारावली रासलीला ब्रजलीला रसलेखा यू लिखिं आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एगुड़ाक आप ओस्टीट आसूँ आप आरएच टी एल टी आर जे टी एस एच टी आसूँ तो मे बी आपर एक्सट्रा इनफर्मेसन थी मे बी जब आउट अफ सिलेबस पचार आपने लिखने तो आउट अफ सिलेबस पचारे कहीं तो माइनस मार्किंग ना ओटीट माइनस मार्किंग ना पिला आसु न आसु देश मार्क एटेंड कर जमी कहीं माइनस मार्किंग ना ना देश क्वेश्चन एटेंड कर निहाती आउ बाध्य कहीं आप कले ही जब बैचान्स मे बी आप लक बै चान्स आपर जोटा टिक कर ठिक भी आसपे तो आपर भी क्वाफाई हो पार तो ए माइनस मार्किंग ना आमर जिते बड़े एस एस डी जे टी एल टी आर आर एच जी से भावक पड़ो कहीं माइनस मार्किंग रोचे तो जगन्नाथ दास भागवत दारु ब्रह्म गीता तुला भीणा मन शिक्षा ब्रह्मांड भूगोल अर्थ कोईली गुप्त गीता गज उदाहरण तापर देखते सारला दास महाभारत बिलंका रामायण चंडी पुराण लक्ष्मीनारायण वचनिका विचित्र रामायण सहारा वृक्ष तो देखु ये मुझे आपर ये पांचटा आप देखने ये जो आम रही कौन ना फकीर मोहन सेनापति को देखिए गोपीनाथ महांती देखिए दुई होगा तीन राधानाथ राय चार आपर आसीगला गंगाधर मेहर पाँच सुरेन्द्र महांती ये पांचटा आप सिलेबस अच्छी तो ये पांचटू ही पचार मैक्सीम चान्स पचार मे बी आउट अफ सिलेबस पचार तो सीटा देखने तो ये पांचटा ही आप देखिए ये पांचटा भितर ही आप क्वेश्चन आसो तो किसी एम सी क्यू देखा एम सी क्यू पचासटा क्वेश्चन रही पचास रु के मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव अपने जनइबे तो से पचार गोपीनाथ महांती को लेखा कौटा गोपीनाथ महांती लिखिंट परजा मामू बाई नना बुजुड़ी ना मन शिक्षा कौटा लिखिंट आमर परजा को लिखिंट गोपीनाथ महांती आ बाई नना बुजुड़ी एटा लिखिंट गोपाल प्रहराज मन शिक्षा जगन्नाथ दास मामू हूँ फकीर मोहन सेनापति
तो ये ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डाक मुंशी लेखक किए, डाक मुंशी किए लिखिंट एवं ही आम डिस्कसन कले किए लिखिं फकीर मोहन सेनापति लिखिंट। ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बुढ़ा कविर लेखक किए, बुढ़ा कवि लेखक किए सी होती किए आमर गोपीनाथ महांती। एवं आम डिस्कसन कले बुढ़ा कविर लेखक होती गोपीनाथ महांती। नेक्स्ट देखिए अधर्म बीतर लेखक किए, अधर्म बीतर लेखक किए नामर यहाँ हूँ फकीर मोहन सेनापति। किए लिखिंट फकीर मोहन सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बालेश्वरी राहजानी लेखक किए, बालेश्वरी राहजानी किए लिखिंट यू मत लिखिं किए यू लिखिं फकीर मोहन सेनापति। मामूर लेखक किए, मामू देखो मामू आप एमती हे आम चंद्रमी देखते ये आम भूल हो चंद्रमी देवेनि मामू हम मर आकार मरे हर्ष यहाँ हूँ शुद्ध आम शुद्ध शब्द शुद्ध शुद्ध अशुद्ध आम शब्द गोटे क्वेश्चन आसो आ गोटे वाक्य शुद्ध वाक्य आ शुद्ध शब्द दुईटा क्वेश्चन आसो से इंपोर्टेंट रोचे तो ये मामूटा ठीक ठाक लिखा जाए तो मामूर लेखक हूँ किए फकीर मोहन सेनापति। किए फकीर मोहन सेनापति। तो देखो फकीर मोहन सेनापति चारिटा उपन्यास लिखिं गोटे हूँ मामू आ गोटे हूँ आप लछमा आ गोटे हूँ छण आठ गुंट आ गोटे हूँ प्रायश्चित ए चार्ट उपन्यास लिखिं आउ या अधिक क्वेश्चन पचारूँ। नेक्स्ट देखिए नीलाद्री शतक कहार लेखा यहाँ तो जगन्नाथ दास लिखिं ये आउट ऑफ सिलेबस फिर भी देखनी जगन्नाथ दास लिखिं नीलाद्री शतक कहीं आग को आप परीक्षा काम दब आमर जो एस एस डी काम दब कला कौतुक कहार लेखा कला कौतुक कह किए लिखिं यू लिखिं किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लिखिं। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लक्ष्मी नारायण बचनिका क्यों लेखक लक्ष्मी नारायण बचनिका यू किए लिखिं यू लिखिं आदिकवि सारला दास क्योंटी गोपीनाथ महांती लेखा गोपीनाथ महांती कौटा लिखिंट गोपीनाथ महांती लिखिं कौटा ना या भितर आम उड़ता खई लिखिंट आंडी पु अनंता सभ्य जमीदार अजानाति कथा ए तीनटा जाक लिखिंट किए आमर फकीर मोहन सेनापति लिखिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी उपेन्द्र भंज लेखा उपेन्द्र भंज कौटा लिखिं उपेन्द्र भंज लिखिं आम लिखिंट लावण्यवती लिखिंट आ चंडीपुराण लक्ष्मी नारायण बचनिका ए दुटा सारा दास लिखिंट गज उदाहरण जगन्नाथ दास लिखिंट क्योंटी गोपीनाथ महांती लेखा पुण् पचारेटा आपर परजा मामू बैनाना बुजुड़ी मनशिक्षा यहाँ आमर कौन हम ये परजा हम गोपीनाथ महांती परजा हूँ गोपीनाथ महांती ये मामूरे ये चंद्रबिंदु दीजिए ये मारे ये भूल चंद्रबिंदु रही मामूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी गोपाल चंद्र प्रहलाद लेखा कौटा गोपाल चंद्र प्रहलाद लिखिं मामू हरिजन आम घर हालचाल दादी बुढ़ा तो देखो दादी बुढ़ा हरिजन ये दुटा गोपीनाथ महांती लिखिं मन रखुद एग्जाम पर इंपोर्टेंट रु मामू को लिखिं आम कौन फकीर मोहन सेनापति लिखिं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आम घर हालचाल हूँ गोपाल चंद्र प्रहराज क्योंटी भीम भोई लेखा स्तुति चिंतामणि सुना बहु अबना रस तरंग रसिक हारावली तो देखो रसिक हारावली अबना रस तरंग ए दुटा आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लिखिंट आउ सुना बहु यहाँ फकीर मोहन सेनापति लिखिं फकीर मोहन सेनापति स्तुति चिंतामणि ज आमर भीम भोई लिखिं भीम भोई तो आमर करेक्ट आंसर हूँ कौन ना भीम भोई लेखा हूँ स्तुति चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी फकीर मोहन को लेखा फकीर मोहन सेनापति कौटा लिखिं आमर प्रायश्चित लिखिं लछमा लिखिं मामू लिखिं आउ गोटे हूँ छण आठ गुंट तो ये आम ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सारला दास लेखा कौटा सारला दास कौटा लिखिं बिलंका रामायण लिखिं से लिखिं बिलंका रामायण तापर उपेन्द्र भंज को लेखा कौटा उपेन्द्र भंज कौटा लिखिं कोटी ब्रह्मांड सुंदरी लिखिं निर्वेद साधन यहाँ भीम भोईंर लेखा मौना मौनी बगला बगला बगली ए दुटा आमर फकीर मोहन सेनापति लिखिं जहाँकि आप सिलेबस रही क्योंटी गोपाल चंद्र प्रहराजा लेखा गोपाल चंद्र प्रहराज कौटा लिखिं पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश को लिखिं गोपाल चंद्र प्रहराज आ छण आठ गुंट लिखिं किए आमर फकीर मोहन सेनापति ये आप पूरा रिपीट हो माइंड रे फिट हो परजा राहुल छाया ये लिखिं किए ना गोपीनाथ महांती गोपीनाथ महांती मन रखे एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रांडी पुओ अनंता कहार लेखा एवं ही आम डिस्कसन करते रांडी पुओ अनंतार लेखक होती किए फकीर मोहन सेनापति। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे घास फुलर लेखक किए घस घस नुह घास हम आ कार्टा छाड़ दी घास फुलर लेखक मुझे डिस्कसन करी घास फुलर लेखक होती किए ना सी होती आम गोपीनाथ महांती दुटा जिनस मन रखे कन्फ्यूज हेनी गोटे हूँ पूजा फुल आउ गोटे हूँ कौन ना घास फुल घास फुल को लिखिंट किए गोपीनाथ महांती लिखिंट आ पूजा फुलर लेखक किए फकीर मोहन सेनापति दुटा जगह आम सिलेबस अच्छी ओटी टी सिलेबस फकीर मोहन सेनापति भी अच्छी गोपीनाथ महांती अच्छी तो पूजा फुल को लिखिंट किए फकीर मोहन सेनापति मन रखु आ घास फुल को लिखिंट गोपीनाथ महांती तो ऑप्शन नंबर बी है आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी महिमा गोपन भविष्य मालिका कहार लेखा ये दुटा लिखिंट किए आम भीम भोई लिखिंट संतकवि भीम भोई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही भागवत टुंगी संध्या कहार लेखा भागवत टुंगी संध्या यहाँ किए लिखिं गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिंट। नेक्स्ट देखिए सुभद्रा परिणय कहार लेखा सुभद्रा परिणय लेखक किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी उपेन्द्र भंज लेखा उपेन्द्र भंज कौटा लिखिं प्रेम सुधा निधि केउटी फकीर मोहन को लेखा बीरई विशाल पाल भूत झोटो घास फुल कौटा लिखिं आमर बीरई विशाल को लिखिं फकीर मोहन सेनापति आ घास फुल पाल भूत झोटो आमर किए घास फुल किए गोपीनाथ महांती लिखिं गोपीनाथ महांती लिखिं पाठोई बोहर लेखक किए पाठ बही पाठोई बहु यार लेखक होती फकीर मोहन सेनापति फकीर मोहन सेनापति। विचित्र रामायण लेखक किए विचित्र रामायण विचित्र रामायण बिलंका रामायण सब सारा दास सारा दास दांडी रामायण जगन्नाथ दास दांडी राम बलराम दास लिखिंट बोलते तो मन गहर चाष कहार लेखा मन गहर चाष गोपीनाथ महांती गोपाचंद्र प्रहराज फकीरमोहन सेनापति ना भीम भोई मन गहर चाष गोपीनाथ महांती। उपेन्द्र भंज को लेखा कौटा उपेन्द्र भंज लेखा हो लावण्यवती यहाँ आम आउट ऑफ सिलेबस से फटाफट डिस्कशन करदे माधव महांती कन्या सुना लेखक किए फकीर मोहन गोपीनाथ गोपालचंद्र प्रहराज ना भीम भोई माधव महांती कन्या सुना यार लेखक होती फकीर मोहन सेनापति। गारुड़ी मंत्र कहार लेखा गारुड़ी मंत्र किए लिखिं गारुड़ी मंत्र लेखक होती किए सी होती आमर फकीर मोहन सेनापति ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। रेवती लेखक किए रेवती किए लिखिंट रेवती हूँ गोटे आम ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प आर लेखक होती फकीर मोहन सेनापति। माटी मटाड़ लेखक किए माटी मटाड़ लेखक किए माटी मटाड़ लेखक होती किए गोपीनाथ महांती आ माटी मटाड़ गोपीनाथ महांती कौन पाई ना आमर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई आ माटी मटाड़ा आमर कौन ना आदिवासी आदिवासी ये लिखित नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर रचना नुहे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कौटा लिखि ना तपस्विनी अहल्यास्तव इंदुमती पद्ममाली तो देखु अहल्यास्तव लिखिंट से तपस्विनी लिखिंट इंदुमती लिखिंट किंतु पद्ममाली से लिखि ना ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी। केउटी सुरेन्द्र महांती रचना नुहे बा उपन्यास नुहे सुरेन्द्र महांती कौटा लिखि ना हा अन्न मराळर मृत्यु रुटी और चंद्र अंध दिगंत देखु मराळर मृत्यु लिखिंट आउ रुटीचंद्र लिखिंट आउ अंध दिगंत लिखिं एक तीनटा जाक लिखिंट सुरेन्द्र महांती कौटा लिखिंट हा अन्न यहाँ लिखिंट कान्हूचरण महांती किए कान्हूचरण महांती लिखिंट तो कौटा लिखि ना ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर हा अन्न सुरेन्द्र महांती उपन्यास नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशार क्यों लेखक प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई ओडिशार किए लिखिते ओडिशार किए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई ओडिशार गोपीनाथ महांती सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई कौ उपन्यास ना माटी मटाल उपन्यास ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर गोपीनाथ महांती सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अवसर बासरे यार कवि किए अवसर बासरे यार लेखक होती किए ना सी होती फकीर मोहन सेनापति फकीर मोहन सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फकीर मोहन केउ गल्प नारी शिक्षा पर आधारित फकीर मोहन को गल्प आमर रेवती गल्पटा नारी शिक्षा पर आधारित ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर रेवती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी सुरेन्द्र महांती रचना नुहे सुरेन्द्र महांती कौटा लिखि ना कालांतर नीलशैल दुई सीमांत हरिजन
तो सुरेन्द्र महांती लिखिनांती कोटा सुरेन्द्र महांती कालांतर लिखिंटी नीलशैल लिखिंटी दुई सीमांत लिखिंटी हरिजन को किए लिखिं गोपीनाथ महांती लिखिंटी तो कौटा नुहे ऑप्शन नंबर डी हेगला करेक्ट आंसर हरिजन सुरेन्द्र महांती लिखिनांती इटा को लिखिं गोपीनाथ महांती तो ऑप्शन नंबर डी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रथम ओडिया प्रबंध रचयिता किए प्रथम ओडिया प्रबंध रचयिता किए प्रथम ओडिया प्रबंध ना कौन प्रथम ओडिया प्रबंध हूँ बी बे की यहाँ किए लिखिं राधानाथ राय लिखिं ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर राधानाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नीलशैल रचयिता किए नीलशैल किए लिखिं नीलशैल रचयिता सुरेन्द्र महांती अटे किए सुरेन्द्र महांती एसब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम आसी ओटीटी रे ओडिया साहित्य रे व्यासकवि क्या कह जाए ओडिया साहित्य व्यासकवि क्या कह जाए व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति तापर देखंतु बौद्ध साहित्य को आधार करी किए बहुत गल्प रचना करिसेंती बौद्ध साहित्य को आधार करी आमर सुरेन्द्र महांती बहुत गल्प रचना करिसेंती किए सुरेन्द्र महांती मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो ए क्वेश्चन 2019 रे ऑलरेडी आसीतिला ओटीटी ऑनलाइन एग्जाम रे। तापर गंगाधर काव्य मानक मध्य सर्वश्रेष्ठ काव्य कोटा प्रणय बल्लरी किचक बध उत्कल लक्ष्मी ना तपस्विनी तो सर्वश्रेष्ठ काव्य हूँ तपस्विनी ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर तपस्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्य क्योंटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर सृष्टि गंगाधर मेहर कौटा लिखिं उर्वशी इंदुमती चंद्रभागा शर्मिष्ठा तो देखते शर्मिष्ठा को लिखिं नंदकिशोर बल निंद लिखिदेली सरी किए लिखिं ना नंदकिशोर बल चंद्रभागा आउ उर्वशी ए दुटा लिखिं राधानाथ राय तो बाकी रहा कौटा इंदुमती लिखिं स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर रचना नुहे यहाँ अलरेडी आम डिस्कसन करते ये आम इंदुमती लिखिं अहल्यास्तव लिखिं तपस्विनी लिखिं पद्मी से लिखि ना आम पद्मी से लिखि ना तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही घास फूल उड़ंता खई गुप्त गंगा एसब किए लिखिं घास फूल उड़ंता खई गुप्त गंगा एसब लेखक होती किए ना गोपीनाथ महांती ऑप्शन नंबर सी हम गोपीनाथ महांती। नेक्स्ट देखिए नीलशैल आ नीलाद्री विजय ए दुटा किए लिखिं आम डिस्कसन रिसेंटली कले नीलशैल नीलाद्री विजय नीलशैल और नीलाद्री विजय ए दुटा पुस्तक लेखक होती किए आमर सुरेन्द्र महांती किए सुरेन्द्र महांती। तो फ्रेंड्स देखंतु वीडियो भितर ही आम गोटे मार्क निश्चय आसो आप देखु निश्चय वन मार्क सियोर रोक कहीं एस एस डी आमर रेगुलर हाईस्कल टीचर गोटे भिड बनती से सतटा क्वेश्चन आता ओडिया ग्रामर सतटा जाक गोटे भिडर आ सिंगल भिडर आपर आथर एस एस बी आसी जहाँ मुझे गोटे भिडर आस भिडियो निश्चय आसो लेखालेख तो मुझे भी कौच ओटीटी रे सियोर यही भिडियो भितर ही क्वेश्चन आप गोटे देखा मिले आठ आप ओटीटी पेपर टू ओटीटी पेपर टू रे लेखा लेखक आस पेपर वन रे लेखा लेखक आसुनी मुझे सरी पूर्व नुहे मुझे ओटीटी पेपर वन पाई लेखा लेखक आसेनी पेपर टू रे आसूँ ओएसटीटी एग्जाम आसूँ तो देखो तापर देखिए अर्घ्य थाली कविता माला किचक बद्ध अहल्यास्तव एसबू किए लिखिं अर्घ्य थाली कविता माला किचक बद्ध अहल्यास्तव एसबू लिखिं आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लच्छमार लेखक किए लच्छमा बहर लेखक किए फकीर मोहन सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशार क्यों लेखक यहाँ तो अलरेडी आम डिस्कशन प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार करते किए गोपीनाथ महांती पाई प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुरेन्द्र महांती क्यों उपन्यास केन्द्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई सुरेन्द्र महांती कौथिपाई ना नीलशैल केन्द्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई नीलशैल आउ कूलवृद्ध कौन पाई कूलवृद्ध पाई से कौन ना सारला पुरस्कार पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फकीर मोहन को आत्मजीवनी फकीर मोहन सेनापति आत्मजीवनी पुस्तक नाम कौन फकीर मोहन को आत्मजीवनी पुस्तक हूँ आत्मचरित ता सहित से उत्कल भ्रमण लिखिं अवसर बास लिखिं पुष्पमाला लिखिं पचार पुष्पमाला लेखक किए
किए फकीरमोहन सेनापति, उत्कल भ्रमणर लेखक किए फकीरमोहन सेनापति, अवसर बासर लेखक किए पचार फकीरमोहन सेनापति। से सब ऑप्शन पढ़ुची कहीं आपड़ किसी आम जो डिस्कसन कले डिटेल्स डिस्कसन कले से उत्कल भ्रमण मुझे लिखनी, अवसर बास एड करनी, पुष्पमाला एड करनी, आत्मचरित एड करनी, तो सब ऑप्शन जानले आप जानते ये चार्टा जाक लिखी फकीरमोहन सेनापति। किंतु से आत्मजीवनी कही आत्मजीवनी हूँ आत्मचरित, ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। के वैदेशिक साहित्य फकीर मोहन को उपरे गवेषणा करछन्ति, फकीर मोहन सेनापति को उपरे गवेषणा करछन्ति बा पीएचडी करछन्ति किए सी होछन्ति बोल्टन, ऑप्शन नंबर बी होछ करेक्ट आंसर बोल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप क्यों पुस्तक गंगाधर मेहर को लेखा, गंगाधर मेहर कौटा लिखिंट तपस्विनी चंद्रभागा केदारगुरी पुष्पमाला, पुष्पमाला लिखिंट आमर किए पुष्पमाला आउ चंद्रभागा केदारगौरी तपस्विनी, तो करेक्ट आंसर होची तपस्विनी, तपस्विनी लिखिंट गंगाधर मेहर, केदारगौरी चंद्रभागा ए दुटे लिखिंट किए ए दुटा लिखिंट आमर राधानाथ राय, केदारगौरी आ चंद्रभागा राधानाथ राय, आ पुष्पमाला एप डिस्कसन कले आम फकीरमोहन सेनापति लिखिंट मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहा। देखु कीचकबद्ध किए लिखिं कीचकबद्ध ए डिस्कसन कले गंगाधर मेहर, गंगाधर मेहर लिखिंट। तो आज लास्ट क्वेश्चन देखा, लास्ट क्वेश्चन देखो नीलशैलर उपन्यास स्रष्टा किए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होती नीलशैल किए सुरेन्द्र महांती लिखिं। फकीरमोहन को क्यों गल्प नारी शिक्षा पर आधारित, यहाँ आम डिस्कसन कले रेवती गल्प नारी शिक्षा पर आधारित, यहाँ हूँ ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प, रेवती ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प। तो फ्रेंड्स ये थिला टोटल आम 50 क्वेश्चन डिस्कसन कले, तो आप 50 रे केते मार्क रखिछते निहते कमेंट बॉक्स रे जणैबे, जदि वीडियो भल लागुछि ताहले निहते गोटाए लाइक करिबे एवं ता सहित अधिकरु अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानकु निहते भाबे शेयर करिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।